रहा है, तो जो वर्कडन वो करेगा आपको रोकने में, जो वर्कडन वो करेगा आपको रोकने में, क्या वो आपकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होगी? जितनी ज्यादा आपकी इनिशियली काइनेटिक एनर्जी होगी, क्या उसको उतना ही ज्यादा वर्कडन करेगा करना पड़ेगा आपको रोकने के लिए? यस सर, यस सर, तो सेम टू सेम इस कंडीशन में हो रहा है, जो ए पॉइंट पे ब्लॉक की पोटेंशियल एनर्जी थी उतना ही वर्क करना पड़ेगा आपके फ्रिक्शन फोर्स को उस ब्लॉक को रोकने के लिए। तो हमारा क्या होगा कि सर उसकी हमारा पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज नहीं होगी सर जब वो ऊपर से नीचे आएगा? यहां से नीचे आएगा तब क्या होगा बेटा? इंक्रीज सर उसकी सर फोर्स इंक्रीज नहीं होगा सर नीचे से नीचे आएगा जब वो? फोर्स, इससे जो स्पेस सर नीचे आएगा तो सर उसका फोर्स होगी सर जो इंक्रीज नहीं होगी? नहीं, जब ये नीचे आएगा तो आपकी पोटेंशियल एनर्जी कम होगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। आपको याद हो, एक ब्लॉक, एक बॉल ऐसे थी, एक ब्लॉक बॉल ऐसे थी, एक बॉल ऐसे थी। जब हमने इसको ऊपर की तरफ फेंका था तो मान लो इसकी एनर्जी 100 जूल थी, तो यहां पर टोटल एनर्जी किसके इक्वल थी? पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल। यहां पर टोटल एनर्जी किसके इक्वल थी? काइनेटिक एनर्जी काइनेटिक के इक्वल। यहां पर टोटल एनर्जी किसके इक्वल थी? सेम सेम काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल सेम एनर्जी। लेकिन तीनों का सम आपका, मान लेते हैं कि 100 जूल था, तीनों केसेस में टोटल एनर्जी 100 जूल थी, ठीक ही नहीं थी? यस सर। तो यहां पे ए पॉइंट पे टोटल एनर्जी कितनी है? टोटल एनर्जी एट ए पे जो एनर्जी है, ए पे जो एनर्जी है वही आपकी बी पे होगी कि नहीं होगी, ये बताओ। चाहे भले ही इनिशियली आपकी पोटेंशियल एनर्जी थी और बी पॉइंट पे आने के बाद काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो गई, लेकिन अमाउंट ऑफ एनर्जी तो उतनी ही थी ना, है? तो हम पोटेंशियल एनर्जी को ही यूज करते हैं, काइनेटिक एनर्जी को क्यों ही कन्वर्ट करें? तो हम बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए इक्वल टू आपका होगा वर्क डन बाई फ्रिक्शन। पोटेंशियल एनर्जी एट ए क्या है आपका? एमजीएच इक्वल टू वर्क डन बाई फ्रिक्शन क्या होगा? म्यू एम जी इनटू, मान लेते हैं कि वो एक्स डिस्टेंस चलेगा, एक्स डिस्टेंस चलने के बाद में ब्लॉक की स्पीड 0 हो जाएगी। एमजी क्या आपका? 10, एच क्या है? 1। यहां से आप क्या आएगा? म्यू, म्यू कितना दे रखा है? म्यू 0.2, म्यू देखो 0.2 दे रखा है। 0.2 इंटू एमजी की वैल्यू 10 इंटू एक्स, तो 10 से 10 कैंसिल हो गया, तो एक्स क्या आ जाएगा? 1 डिवाइडेड बाई 0.2 यानी कि 5 मीटर इज द करेक्ट आंसर। बोलो सर ये फिर से करा देना सर। ठीक है। देखो आपको क्या देखना है, आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई करना है हमेशा। इस क्वेश्चन में आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई करना है। आप कंफ्यूज हो रहे हो कि सर नीचे आके काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट होगी, लेकिन अमाउंट ऑफ एनर्जी तो उतनी ही रहेगी ना। आप अमाउंट ऑफ एनर्जी पे आइए, टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी, जैसे मान लो हमारी टोटल एनर्जी 100 जूल थी, यहां पे भी टोटल एनर्जी 100 जूल है और यहां पे भी टोटल एनर्जी 100 जूल है। तो यहां से जब पोटेंशियल एनर्जी इस बी पॉइंट पे आएगी, तो यहां पे मान लो यहां पे पोटेंशियल एनर्जी थी मेरी 10 जूल, 10 जूल, तो यहां पे आपकी पोटेंशियल एनर्जी 0 हो गई, लेकिन काइनेटिक एनर्जी 10 जूल हो गई इस पॉइंट पे, बी पॉइंट पे। तो हमने क्या किया है, हमने बोला कि यहां पे या तो आप इसको लिए ले लो कि काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी इक्वल टू वर्क डन बाय द फ्रिक्शन फोर्स, ये भी बात सही है, या फिर आप ये ले लो पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए इक्वल टू वर्क डन बाय द फ्रिक्शन फोर्स, तब भी बात एक ही है। क्योंकि जो एनर्जी ब्लॉक ए के पास, ब्लॉक के पास ए पॉइंट पे है, वो एनर्जी बर्बाद हो रही है कहां पे? फ्रिक्शन फोर्स के वर्क डन के कारण, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स ही है जो कि ब्लॉक को रोक रहा है। आ रही बात समझ में? यस सर, तो हमने क्या किया, एम जी एच इक्वल टू म्यू एम जी इंटू एक्स, माना कि एक्स डिस्टेंस जाके आगे ब्लॉक रुक जाए, तो एक्स डिस्टेंस में जाके ब्लॉक रुक गया, तो हमने वो एक्स डिस्टेंस निकालनी है। एम जी से आप चाहो तो एम जी काट दो, या फिर एम जी की वैल्यू 10 रख दो, एच की वैल्यू 1 है और म्यू की वैल्यू 0.2, एम जी की वैल्यू 10 है, एक्स आपको निकालना है, तो आप एक्स आ गया आपका 5 मीटर। बोलो कोई दिक्कत? नो सर, नो सर, यस। जरा ये क्वेश्चन देख लो, इस क्वेश्चन में क्या है,
अ बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम मूविंग विद हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 400 मीटर पर सेकंड स्ट्राइक अ वुड ब्लॉक ऑफ 2 केजी विच सस्पेंडेड बाय अ लाइट इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग ऑफ 5 मीटर। देखो ऐसे कोई ब्लॉक लटका हुआ है, इसमें क्या हुआ है, ऐसे कोई ब्लॉक लटका हुआ, इसमें कोई बुलेट आ रही है, गन, बुलेट मतलब ऐसे करके बुलेट आ रही, गोली गोली आ रही, कोई ऐसे कोई बुलेट आ रही है, इसमें जाके धस गई और फिर बाहर निकल गई, धस के बाहर निकल गई, और ये ब्लॉक क्या होगा, इधर जाएगा कि नहीं जाएगा, yes, sir. ये ब्लॉक कुछ yes. ऐसे करके हो गया, और वर्टिकल हाइट इस ब्लॉक की दे रखी है, कितनी वर्टिकल हाइट जा रहा है ये, देखो कितनी स्ट्रिंग 5 मीटर है और रिजल्ट 10 सेंटीमीटर वर्टिकल राइज, वर्टिकल राइज एंड डिस्टेंस कितना है 10 सेंटीमीटर, बोलो यहां तक क्लियर है? Yes, sir. Yes. एक बात बताओ मुझे पता करना है कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या हुई होगी, क्या इस जगह पे जब ये अपनी टॉपेस्ट हाइट पे होगा क्या इसकी वेलोसिटी जीरो होगी, होगी कि नहीं? Yes, sir. इसकी वेलोसिटी माना कि मैंने यू है तो मैं अप्लाई कर दूं, कौन सा इक्वेशन अप्लाई करूं, एच मुझे पता है, कौन सी इक्वेशन अप्लाई करूं, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, वी क्या है मेरा जीरो, यू मुझे पता करना है, एक की जगह क्या होगा जी आएगा, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के अकॉर्डिंग होगी, तो माइनस के टू इंटू टेन इंटू एस कितना आपका 10 सेंटीमीटर 0.1 होगा कि नहीं? Yes, sir. अब देखोगे बेटा 0.1 आया हमारा, 10 सेंटीमीटर दे रखे हैं ना, ये 10 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर को जब आप मीटर में कन्वर्ट करोगे तो क्या हो जाएगा 0.1 मीटर, 100 का डिवाइड करेंगे ना, तो जरा देखो इसको आप इधर ले जाओगे तो u स्क्वायर आपका हो जाएगा 2, तो u इक्वल टू अंडर रूट 2 मीटर पर सेकेंड, आपका इसकी इनिशियल वेलोसिटी आ गई। उसने पूछा है द स्पीड ऑफ बुलेट आफ्टर इट इमर्जेस हॉरिजॉन्टली फ्रॉम द ब्लॉक, उसने बोला जब बुलेट आपकी यहां पे आ जाएगी, जब यहां पे होगी तब इसकी वेलोसिटी क्या हो, इसकी इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है, इस ब्लॉक की इनिशियली इस बुलेट के टकराने से पहले क्या वेलोसिटी थी ब्लॉक की, भाई कोई बताएगा, इस बुलेट के टकराने से पहले क्या वेलोसिटी थी बुलेट की, बेटा जीरो थी ना, नाउ अब आप बात करोगे, अब अप्लाई करो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, अब देखोगे इनिशियल मोमेंटम टोटल इनिशियल मोमेंटम, दोनों का टोटल इनिशियल मोमेंटम और दोनों का टोटल फाइनल मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम क्या है आपका मास ऑफ बुलेट इनटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट प्लस मास ऑफ ब्लॉक इनटू वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक ठीक है इक्वल टू फाइनली जब ये ब्लॉक इधर मूव कर रहा था तो आपका क्या होगा मास ऑफ बुलेट इनटू वेलोसिटी ऑफ फाइनल फाइनल वेलोसिटी वी डैश आ जाएगा प्लस मास ऑफ ब्लॉक इनटू यू इसी इनिशियल वेलोसिटी ये थी। अब आप देखोगे ये इनिशियली जीरो था इस बुलेट के टकराने से पहले इसकी वेलोसिटी जीरो थी तो ये मोमेंटम जीरो हो गया। MB क्या है मेरा 10 ग्राम 0.01 kg इनटू 400 इक्वल टू MB क्या है मेरा MB 0.01 ही है। VB मुझे पता करना है प्लस कैपिटल M क्या है 2 kg इनटू U कितना है हमारा U अंडर रूट 2 बोलो यहां तक क्लियर है सबको रिपीट कराइए। देखो हमने क्या किया है यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाया क्यों लगाया क्योंकि हमें पता है कि हमारी टकराने से पहले मोमेंटम और टकराने के बाद मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा। आज हम कोलिजन पढ़ने वाले हैं वैसे टकराने से पहले जब इसमें टकराया था तो आपका मोमेंटम आपका कांस्टेंट था टकराने से पहले मोमेंटम क्या था मास ऑफ बुलेट इनटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट प्लस मास ऑफ ब्लॉक इनटू वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक ये वी बी कर दिया कैपिटल बी कर देता हूं उसको वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक इनटू मास ऑफ ब्लॉक
मास ऑफ ब्लॉक और मास ऑफ बुलेट इनटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट फाइनल में, ये इनिशियल कंडीशन थी। और टकराने के बाद में, जस्ट टकराने के बाद में इसकी इनिशियल वेलोसिटी यू हो गई थी, तो हमने यू ले लिया। ये जो फाइनल वेलोसिटी ली थी ये ब्लॉक के लिए ली थी, क्योंकि हमें इसकी इनिशियल वेलोसिटी निकाल सके। टकराने की वजह से जो इनिशियल वेलोसिटी आई थी उसको हमने यहां पर रखा, एम का एमबीजी का 2 kg, एमबीजी 0.01 kg। अब इसको सॉल्व करना है सिंपली, सॉल्व करने के बाद में आपका आंसर आ जाएगा। ये जो है वी डैश 120 meter per second, वी बी डैश आपका आ जाएगा 120 meter per second। डोंट वरी, क्लियर है? यस सर। Yes, sir. Okay, तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। ये तो था आपकी प्रीवियस क्वेश्चंस का डाउट, क्लियर हो गया। आज हम पढ़ने वाले कोलिजन, टकराना। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के, ठीक है? तो आज हम देखो कोलिजन पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ कोलिजन पढ़ेंगे, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। देखो कितना हो पाता है वैसे, क्योंकि टाइम में आपका पहले से 15 मिनट हो चुका है। लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला बताओ जरा। मास इनटू वेलोसिटी, पी इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या होता है? टोटल मोमेंटम या फिर बोल दो कि इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। और बताओ ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होता है? बोलो। इनर्जी इज इनर्शियल एनर्जी इक्वल टू फाइनल बोल सकते हो। चलो ठीक है, इनिशियल एनर्जी इक्वल टू फाइनल एनर्जी, ये भी बोल सकते हो। या फिर आप वो बोल सकते हो कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट ओनली कन्वर्ट फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ये भी तो स्टेटमेंट सुना होगा, ठीक है? देखो कोलिजन होता क्या है, कोलिजन का मतलब है टक्कर। ये जो आपको टक्कर दिख रही है दो ब्लॉक उसमें बॉल्स में, सिमिलरली ये कार को देखो आप, ये कार आ रही है इस दीवार से टकरा रही है, इन इसी को हम क्या बोलते हैं? कोलिजन बोलते हैं। किन्हीं दो चीजों का टकराना, उसके बाद देखो एनर्जी का कुछ किस में वेस्ट होती है, मोमेंटम किस में, मोमेंटम तो हमेशा कंजर्व रहता है वैसे, आपका एनर्जी कहाँ कहाँ पर वेस्ट होती है, कितनी वेस्ट होती है, उसके बारे में आज हम इन डिटेल देखने वाले। तो स्टार्ट करें। तो कोलिजन, सबसे पहले कोलिजन होता क्या है? कोलिजन होता है एक तरह से टकराना, एक तरह से टकराने को ही हम कोलिजन बोलते हैं। तो कोलिजन इज अ आइसोलेटेड इवेंट इन विच अ स्ट्रॉन्ग फोर्स एक्ट बिटवीन टू और मोर बॉडीज फॉर अ शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। यहाँ पे एनर्जी एंड मोमेंटम आपके इंटरचेंज होते हैं। इंटरचेंज का मतलब होता है कि आपने देखा होगा, आपने कभी देखा होगा कि साइकिल कभी खड़ी हो, जैसे साइकिल खड़ी हो और पीछे से आराम से खड़ी है, पीछे से कोई आके टक्कर मार, धक्का मार दे साइकिल को, क्या साइकिल वो बंदा रुक जाए? मान लो दोनों दो साइकिल थी, वो आगे देखेंगे, जब मास सेम होते हैं तो वेलोसिटी इंटरचेंज हो जाती है, वो आगे देखेंगे। लेकिन आपने देखा होगा कि कोई दौड़ के आए और साइकिल को धक्का मार दे, तो खुद की वेलोसिटी कम हो जाएगी लेकिन साइकिल मूव करने लग जाएगी, ऐसा होता है? यस सर। यस सर। उसी को हम क्या बोलते हैं? कोलिजन बोलते हैं। वहां पे एनर्जी भी ट्रांसफर होती है, मोमेंटम भी ट्रांसफर होती है, एक बॉडी से दूसरी बॉडी के, ठीक है? यस सर। ओके, थोड़ा सा फास्ट होगा, हो सकता है आपको। और देखो काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी मे रिमेन और चेंज। देखो मोमेंटम आपका कंजर्व होता है लेकिन काइनेटिक एनर्जी हर जगह कंजर्व नहीं होती है, कहां होती है कहां नहीं होती है इसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं टाइप ऑफ कोलिजन। तो देखो टाइप ऑफ कोलिजन का मतलब होता है हेड ऑन, एक तो ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन, कि जब आप जैसे आप ऐसे जा रहे हो, आपके जस्ट सामने से कोई टक्कर मार है, जैसे आपको इधर दिख रहा है ये दो गाड़ियां आ रही है, जस्ट आमने सामने से आ रही है, आमने सामने से, इसका हेड और इसका हेड, सिर से सिर भिड़ रहा है कि नहीं भिड़ रहा है दोनों का, मतलब मुंह से मुंह भिड़ रहा है, तो इस टाइप के कोलिजन को हम क्या बोलते हैं? हेड ऑन कोलिजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हेड ऑन कोलिजन।
जब दो पार्टिकल अलोंग स्ट्रेट लाइन टकराए, अलोंग स्ट्रेट लाइन, जरूरी नहीं है कि अपोजिट डायरेक्शन में ही हो, दोनों सेम डायरेक्शन में रहने के बाद भी टकरा सकते हैं, तो उनको हम क्या बोलेंगे, हेड ऑन कोलिजन बोलेंगे। सिमिलरली हमारा होता है ओब्लिक कोलिजन। ऑब्लिक कोलिजन कहां पर होता है, इस टाइप का कोलिजन। देखो ये बाइक जा रही है, बाइक जा रही, देखो देखो ये हेड, देखो फोर व्हीलर के साइड से टकराई है बाइक, देखना देखना ये बाइक जाएगी, फोर व्हीलर के साइड से टकरा रही है, तो किसी भी अनदर डायरेक्शन में, देखो एक डायरेक्शन में अगर सेम स्ट्रेट लाइन में दो टकराव हो रहे हैं, दो गाड़ियां टकरा रही हैं या दो बॉल टकरा रही हैं, उनको हम बोलेंगे हेड ऑन कोलिजन। और उसके अलावा किसी भी डायरेक्शन में अगर टकरा रही हैं, किसी भी डायरेक्शन में ऐसे टकराएं, ऐसे टकराएं, ऐसे टकराएं, किसी भी डायरेक्शन में टकरा रही हैं, उन सबको हम क्या बोलेंगे, ऑब्लिक कोलिजन। आ रही बात समझ में, ठीक है। हम देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी एंड मोमेंटम के बेस, वो तो हमने देखा किसके बेस पे, डायरेक्शन के बेस पे, अब हम देखते हैं एनर्जी एंड मोमेंटम के बेस, यही इंपॉर्टेंट है। परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, वो कोलिजन जहां पे आपकी मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहे, जिसमें दोनों कंजर्व रहते हो, आपका मोमेंटम एज वेल एज काइनेटिक एनर्जी दोनों कंजर्व रहते हो, उनको हम क्या बोलते हैं, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, जैसे ये बॉल टकरा रही है, इसमें कोई भी एनर्जी का लॉस नहीं हो, कोई भी मोमेंटम का लॉस ना हो, उसको हम क्या बोलेंगे, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। सिमिलरली इनइलास्टिक कोलिजन आता है, इनइलास्टिक कोलिजन वो कोलिजन जिसमें आपका क्या, मोमेंटम कंजर्व हो, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व ना हो, व्हाइल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज कंजर्व, मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज कंजर्व एंड काइनेटिक एनर्जी इज नॉट, ओनली मोमेंटम कंजर्व हो, इसमें क्या है आपका, मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी दोनों कंजर्व है, इसमें क्या है, ओनली मोमेंटम कंजर्व है, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं है। तो इसका एग्जांपल आप देखोगे, ये जो कार थी, यहां पे आपका मोमेंटम, देखो इस कार का मोमेंटम पूरा दीवार में ट्रांसफर हो गया था, इंपल्स के टर्म, ठीक है। तो यहां पे मोमेंटम कंजर्व है, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं हो, क्योंकि यहां पे लॉसेस हो रहे हैं एनर्जी के, एनर्जी के लॉसेस हो रहे हैं। सिमिलरली आता है परफेक्टली इनइलास्टिक, एक होता है इनइलास्टिक, एक होता है परफेक्टली इनइलास्टिक। अब परफेक्टली इनइलास्टिक का मतलब क्या होता है, परफेक्टली इनइलास्टिक का मतलब होता है कि जैसे आपने देखा होगा कभी उससे खेले हो मिट्टी से, अच्छा मिट्टी छोड़ो, आटा होता है घर पे आटा, जैसे खाना बनता है सुबह, रोटियां बनती हैं, रोटियां एक बॉल रखी हुई है आपके आपके पास में, ऐसे मान लो जैसे ये मैच बॉक्स है, चलो इसी का एग्जांपल लेते हैं, यही एग्जांपल सबसे ज्यादा लिया हमने, इसके ऊपर मैं थोड़ा सा आटा, गीला सा आटा लेके फेंकूं इसके ऊपर, क्या इसके ऊपर चिपक जाएगा आटा, चिपक जाएगा कि नहीं, यस सर चिपक जाएगा, फिर दोनों एक साथ मूव करने लग जाएंगे, आटा भी इस पर चिपक के आगे की तरफ मूव करने लग जाएगा और ये मैच बॉक्स भी आगे की तरफ मूव करने लग जाएगा। इनिशियली किस पे था, रेस्ट पे था, तो इस टाइप के कोलिजन को हम क्या बोलते हैं, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन का मतलब होता है कि जब एक बॉडी दूसरे के साथ चिपक के चलने लगे कोलिजन के बाद, कोलिजन जैसे ही टकराए अब वो अलग हो ही नहीं रहे हैं, दोनों जैसे टकराने वाले थे टकराए, अब एक साथ मिलजुल के दौड़ रहे हैं, तो उस टाइप के कोलिजन को हम क्या बोलते हैं, क्लियर है आप, यस सर, ठीक है। इसका एग्जांपल भी देख लो, जैसे मान लो ये आपका क्या था, मड था, मड, मड मतलब कीचड़, मतलब कीचड़ बोल दो या फिर आप बोल दो कि गीली मिट्टी जो कि दूसरी बॉल पे चिपक सकी, आपने इधर से फेंका, ये बॉल रेस्ट पे थी, ये बॉल रेस्ट पे थी, इसको आपने किसी वी वेलोसिटी से फेंका, जैसे ही आपने फेंका तो ये कीचड़ इसके ऊपर चिपक गया और ये दोनों के दोनों साथ मूव करने लग गए। इस टाइप के कोलिजन को हम क्या बोलते हैं, परफेक्टली इनइलास्टिक और प्लास्टिक कोलिजन।
क्लियर है यहां तक? यस। इसमें क्या होता है, आपका मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज लॉस्ट, इसमें बहुत ज्यादा एनर्जी का लॉस होता है, लेकिन मोमेंटम यहां पे भी कंजर्व होता है, मोमेंटम आपका यहां पे भी कंजर्व होता है। तो हम बोल सकते हैं कि मोमेंटम तो तीनों में कंजर्व होता है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी ओनली एक में कंजर्व होती है, जो कि हमें बोलते हम बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। क्लियर है? इन इलास्टिक कोलिजन में पूरी एनर्जी वेस्ट नहीं होती, कुछ एनर्जी वेस्ट होती है, उसके लिए हम पढ़ेंगे कोफिशियंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, आगे बढ़ेंगे। वो टकराने के तरीके पर डिपेंड करता है। और देखो आप परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन वहां पे भी देख सकते हो, जब आप देखोगे बॉल से दीवार में मार के ऐसे खेलते हो, ऐसे कैच करते हो, ऐसे मार दो दीवार में टकराते फिर कैच करते हो, बॉल मार दो कैच करते हो, वहां पे परफेक्टली तो नहीं कह सकते, लेकिन इन इलास्टिक कोलिजन बोल सकते हैं कि कुछ हद तक आपकी एनर्जी और मोमेंटम दोनों कंजर्व हो, कुछ हद तक, 100% तो कहीं पे भी नहीं होता, कुछ हद तक। आप ये प्रैक्टिकली एग्जांपल देख सकते हो कि आपका मोमेंटम एंड एनर्जी दोनों कंजर्व आ रहा है। ठीक है, आगे बढ़े। यस यस सर। अब हम करने वाले हैं क्वेश्चंस मेनली, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिएगा, पोल पे आंसर करोगे आप इसका। अरे आंसर आ ही गया, विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन डी। आपको किसी ने पढ़ाई नहीं होगा। इन इन इलास्टिक कोलिजन द काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन मे बी लेस और ग्रेटर देन दैट ऑफ बिफोर, जब कोलिजन से पहले जो एनर्जी थी उसे कम हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है। जब क्या ज्यादा भी हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है, वो हम बताएंगे आगे चल के। चलो ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखो। इस क्वेश्चन को आंसर आप करोगे पोल में, वेट फॉर अ पोल। पोल लॉन्च हो चुका है बेटा, आंसर इट। चार बच्चों के रेस्पॉन्स आए हैं अभी, ओनली चार बच्चों के रेस्पॉन्स आए हैं, पांच के आ गए। अ हेवियर स्फीयर मूविंग ईस्टवर्ड विद अ सर्टेन वेलोसिटी वी कोलाइड विद अ लाइटर स्फीयर एट रेस्ट इफ it is a perfectly elastic head-on collision after the then after the collision heavier sphere will move westward direction, heavier sphere move in east direction, lighter sphere move eastward with velocity 2v approximately, lighter sphere move eastward। देखो उसने approximately क्यों बोला है, actually में अप्रोक्सीमेटली इसलिए बुलाए क्योंकि वहां पर पूरी वेलोसिटी नहीं है, पूरा वो नहीं दिया हुआ है। आप मान सकते हो कि जो लाइटर बॉल है उसका डबल मास मान सकते हो हैवियर, लाइटर जो बॉल है उसका डबल मास मान सकते हो हैवियर को। जैसे आप कभी अरेस्ट पे है कोई बॉल, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन बोला है उसने, परफेक्टली इलास्टिक है। परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है कि जब आपकी एक बॉल हेवियर बॉल है तो मोमेंटम टोटली ट्रांसफर हो जाता है, मोमेंटम
ट्रांसफॉर्म, मानो कि माना कि जो इनिशियल बॉल थी, जो बॉल थी इनिशियली, उसकी वेलोसिटी थी v और उसका मास था 2m, 2m मान लेते हैं, छोटी वाली का m मान लेते हैं, उसका मास था 2m, तो उसका मोमेंटम कितना हुआ, 2mv हुआ कि नहीं हुआ, बोलो। हैवियर बॉल, हैवियर बॉल है उसका मास कितना है 2m है, और लाइटर बॉल है, लाइटर बॉल है उसका मास क्या है m। तो इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है, इलास्टिक कोलिजन, इलास्टिक कोलिजन में आपको अभी आगे पढ़ाऊंगा वैसे तो, कि वहां पे एनर्जी का भी लॉस नहीं होता और आपका किसका लॉस नहीं होता, मोमेंटम का भी लॉस नहीं होता। तो जब मैं बोलूं कि मेरा इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, उसने देखो इट इज परफेक्टली इलास्टिक हेड ऑन कोलिजन, और देखो उसने क्या बोला है, कोलाइड विद अ लाइटर स्फीयर एट रेस्ट, इनिशियली वो रेस्ट पे था, तो टोटल मोमेंटम अगर आप बात करोगे, इनिशियली टोटल मोमेंटम, और फाइनली वाली को मान लिया कि आप फाइनल वाली जो इनिशियल वाली बॉल थी हैवियर वाली वो रेस्ट पे आ गई, तो आप बोलोगे इनिशियल मोमेंटम, या फिर बोलो कि पी इनिशियल इक्वल टू पी फाइनल, तो पी इनिशियल क्या होगा, 2m into v1 plus m into, इसको मान लो v u1 मान लो, चलो u1 इक्वल टू 2m into v2 plus m into u2, बोलो भाई दोनों बॉल्स का इनिशियल मोमेंटम और दोनों बॉल्स का फाइनल मोमेंटम, इनिशियली इसकी वेलोसिटी क्या है मेरी v1 है, तो बोलोगे 2m into v मान लेते हैं चलो, इक्वल टू ये इनिशियली ये किस पे थी, इनिशियली लाइटर बॉल किस पे है, रेस्ट पे, इसकी इसका मोमेंटम जीरो हो गया, इक्वल टू अब फाइनली में आपकी जो हैवी बॉल है वो रेस्ट पे आ गई तो इसका मोमेंटम जीरो हो गया, प्लस m into u2, तो आप देखोगे m से m कट गया तो u2 क्या आ रहा है, 2v आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बोलो तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, सी ऑप्शन, यस क्लियर है, आगे बढ़े, यस सर, यस सर। अभी ये क्वेश्चन करो जरा, टू बॉल्स ऑफ each of 5 kg moving in opposite direction with equal speeds 5 meter per second collide head on with each other, find the final velocities of the balls if the collision is perfectly elastic, देखो मैं एक शॉर्टकट बताता हूँ इसके लिए, इस चीज को प्रूफ करेंगे हम वो पढ़ाएंगे जब, क्या पढ़ाएंगे, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, कि हमारा जब भी सेम मास की वेलोसिटी होती है, सेम मास के कोई दो ऑब्जेक्ट टकराते हैं और कोलिजन कौन सा हो, परफेक्टली इलास्टिक हो, तो उनकी वेलोसिटी इंटरचेंज हो जाती है, उनकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, टू बॉल्स ऑफ मास 5 kg, दो बॉल है moving in opposite direction with equal velocity 5 meter per second, 5 meter per second माना कि मेरी one ball है एक, ये two ball है ये, इसकी velocity मेरी इधर है 5 meter per second और इसकी velocity इधर है 5 meter per second, ठीक है, दोनों ball जब टकराएंगी ना, ये टू है ये वन है, तो टू बॉल जो थी पहले इधर आ रही थी अब इधर चली जाएगी, और वन बॉल जो थी वो इधर आ रही थी वो इधर चली जाएगी, यानी कि माइनस फाइव इसकी हो जाएगी, माइनस के फाइव इसकी, दोनों एक दूसरे के अपोजिट मीटर पर सेकंड वेलोसिटी, मीटर पर सेकंड, दोनों की वेलोसिटी इंटरचेंज हो जाती है, ये चीज हमेशा याद रखना, जब भी आपका इलास्टिक कोलिजन हो, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन हो और ऑब्जेक्ट सेम मास के हो, ऑब्जेक्ट सेम मास के हो तो उनकी वेलोसिटी क्या होती है, इंटरचेंज हो जाती है, इंटरचेंज का मतलब अगर ये अभी तो दोनों पांच पांच से हैं, मान लो ये वन दस से होता और ये पांच से होता तो क्या होता, इसकी वेलोसिटी इसके पास पहुंच जाती, इसकी वेलोसिटी इसके पास पहुंच जाती, इंटरचेंज हो जाती वेलोसिटी, तो आ रही बात समझ में, यस सर, आगे बढ़े फिर,
ओके ये क्वेश्चन करो जरा सेम टू सेम उसी की तरह से लमसम करो जरा सर ऑप्शन सी कितने लोग हैं भाई ऑप्शन सी के साथ अभी बताया मैंने आपको यस आपका ऑप्शन सी ही करेक्ट होगा आप देखोगे डायरेक्ट हो रहा है क्वेश्चन आपको कुछ करना ही नहीं है डायरेक्ट हो रहा है क्वेश्चन आपका एक ही वेलोसिटी दे रखी है 0.5 वी बी की वेलोसिटी दे रखी है माइनस के 0.3 टकराने के बाद में वेलोसिटी एक्सचेंज होगी टकराने के बाद में आफ्टर कोलिजन क्या होगा बेटा ये हमेशा किसमें हो रहा है टू आइडेंटिकल बॉल्स हैं इसीलिए हो रहा है ऐसा ये ध्यान रखना आप तो वी बी क्या हो जाएगी मेरी 0.5 मीटर पर सेकेंड और वी ए क्या हो जाएगी मेरी माइनस के 0.3 मीटर पर सेकेंड ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर अब हम आते हैं कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन अब यहां से हमारा जो अभी हमने किया है उसको हम अभी प्रूफ से के साथ में देखेंगे आज की क्लास में तो नहीं कल की क्लास में देख पाएंगे पर कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है देखो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का मतलब होता है कि जब हमारी दो चीजें टकराती हैं जब हमारी दो चीजें टकराती हैं तो क्या होता है कैसे कोई भी दो चीजें टकराएंगी तो क्या होगा देखो देखो इन दोनों हाथों को देखना पहले क्या ये आपस में एक दूसरे को थोड़ा सा प्रेस हो रहा है अंदर की तरफ हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये जो हाथ देख रहे हो जब मैं इसको प्रेस कर रहा हूं तो क्या अंदर की तरफ थोड़ा सा प्रेस हो रहा है दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है आपको नो सर देखिए देखो एक्चुअली में कोई ऐसा ऑब्जेक्ट नहीं दिख रहा जिसको प्रेस करके दबा सकूं क्या सर आप ही नहीं दिख रहे हैं मैं नहीं दिख रहा यस सर सबको नहीं दिख रहा हूँ क्या सर दिख रहे हो तो बेटा हो सकता है आपके नेटवर्क इश्यू हो आपकी साइड मे बी वरुण आपकी साइड नेटवर्क का इश्यू हो देखो आपने आपने देखा होगा कि जब कोई भी चीज टकराती है अच्छा एक 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 काम करते हैं मैं आपको कल एनिमेटेड वीडियो दिखाऊंगा इसके इससे रिलेटेड जिसमें कि कोई चीज जब टकराती है ना तो वो पूरी एनर्जी ट्रांसफर नहीं कर पाती है उसमें कुछ डिफॉर्मेशन हो जाता है टकराने की वजह से और उसकी वजह से कुछ ही एनर्जी वहां पर ट्रांसफर हो पाती है कुछ एनर्जी ही वहां पर ट्रांसफर हो पाती है तो उसका एक फॉर्मूला बना कि कितनी एनर्जी कौन सा ऑब्जेक्ट ट्रांसफर कर सकता है अच्छा एक एक एग्जांपल बताता हूं मैं आपको आपने कोई एक बॉल तो देखी होगी दीवार में मारोगे सीधी आपके हाथ तक वापस आ जाएगी लेकिन दूसरी बॉल अगर कोई सेम सेम बॉल ली दूसरी कोई बॉल ली उसको दीवार पर मार रहे हो वो वापस नहीं आ पा रही आपके पास ऐसा क्यों हो रहा है सेम वेलोसिटी से आप फेंक रहे हो सेम फोर्स से फेंक रहे हो और सेम वेट है दोनों बॉल्स क्यों हो रहा है ऐसा क्योंकि वो उस जब दीवार में टकरा रही है जब वो दीवार से टकरा रही है ना तो वो अपनी पूरे जब वो टकरा रही है तो कुछ दब जा रही है एक तरह से जब वो दब जाएगी थोड़ी सी जैसे ऐसे बॉल है तो जब वो टकराएगी ना थोड़ी सी ऐसे दबेगी तब जाके दोबारा से रिबाउंड होगी रिबाउंड होगी जो अपना दबना और फिर से रिबाउंड होना उसमें अब एनर्जी कुछ वेस्ट हो जाती तो उसी लिए हमारा फॉर्मूला बनाया कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन बिटवीन टू बॉडीज कोलिजन इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आफ्टर कोलिजन टू द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच अब ये क्या है नहीं समझ में आया स्टेटमेंट से कुछ स्टेटमेंट से कुछ समझ में आया नो 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 सर मुझे पता था नहीं आएगा स्टेटमेंट से अभी आया देखिएगा देखो माना कि दो बॉल हैं माना कि जैसे एक बॉल ये है एक बॉल ये है
ऐसे आ रही है, मान लो वी वन से आ रही है, ये आपकी वी टू से आ रही है। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, अप्रोच का मतलब है, अच्छा इसको यू माना है, पहले आने वाली वेलोसिटी को यू माना है, टकराने के बाद जा रही है। अब हमने, हमारी दो बॉल्स थी, एक वन ये टू, ये दोनों बॉल आ रही है, तो ये दोनों किस वेलोसिटी, किस रिलेटिव वेलोसिटी से एक दूसरे को अप्रोच कर रही है, अप्रोच कर रही मतलब एक दूसरे की तरफ टकराने के लिए आ रही है, किस वेलोसिटी से, रिलेटिव मोशन में अगर मैं बात करूं तो बताएगा कोई? यू वन माइनस यू टू। सिमिलरली अब ये टकराने के बाद में, माना कि टकराने के बाद में, टकराने के बाद में क्या हुआ, इसकी वेलोसिटी हो गई मान लो इस डायरेक्शन में कितनी, वी टू, और इसकी वेलोसिटी हो गई वी वन। तो टकराने के बाद में वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट क्या होगा, वी टू माइनस के वी वन। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, किस वेलोसिटी से टकराने, किस रिलेटिव वेलोसिटी से टकराने के बाद अलग हो रहे हैं, और किस रिलेटिव वेलोसिटी से टकराने से पहले पास में आ रहे हैं, उन दोनों के रेशियो को हम क्या बोलते हैं, कोफिशियंट ऑफ रेस्टिट्यूशन बोलते हैं। सारी बात सुनो सर, जब दो बॉल्स टकरा रही है तो सर जब वो डायरेक्शन सर दूसरी डायरेक्शन में जाएंगे तो सर उसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो होगी। अट्रैक्शन मतलब सर जब जैसे U1 और U2 सर टकरा रहे हैं तो सर जब V1 और V2 सर जाएंगे तो सर उसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो होगी। देखो ये जो आपको हेड ऑन कोलिजन बताया है ये एक्चुअली में प्रैक्टिकली नहीं होता है। और दूसरी बात, जब बॉल टकराती हैं उस टाइम पे बहुत एक छोटे इंस्टेंट के लिए, क्योंकि डायरेक्शन जब भी चेंज होती है, हमेशा याद रखना, जब भी डायरेक्शन चेंज होती है भले ही वो 0.00001 सेकंड के लिए ही क्यों ना हो, वेलोसिटी जीरो होती है। आप इधर जा रहे हो, आपको अपनी डायरेक्शन इधर करनी है वापस, क्या बिना रुके कर सकते हो? नो सर, नहीं कर सकते ना। तो ऐसा होता है प्रैक्टिकली में, लेकिन उस इंस्टेंट को हम यहाँ पे कंसीडर नहीं करते हैं कि जैसे ही आपकी दो बॉल आई ऐसे टकराई, माना कि एक, अभी हम क्या कर रहे हैं, हेड ऑन कोलिजन की बात कर रहे हैं, एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट ऑब्लिक कोलिजन की थोड़ी देर में बात करेंगे। ऑब्लिक कोलिजन में क्या होता है, जैसे दो बॉल आती है, कोई इधर जा रही है कोई इधर जा रही है, उसमें हम डायरेक्शन के अकॉर्डिंग कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाते हैं। यहाँ पे हम मान के चल रहे हैं कि सीधे बॉल आ रही है, टकराने के बाद में सीधे मूव कर रही है, या तो दोनों इधर जा रही है या दोनों इधर जा रही है, एक इधर जा रही है एक उधर जा रही है, ओनली स्ट्रेट लाइन में मोशन हम ये मान के चल रहे हैं अभी, क्योंकि पहले इजी चीजें पढ़े तब ना टफ पे आए। ओके सर, बोले कुछ 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 हवा लग रही है। देखो इसका, इसकी कंफ्यूजन सबसे ज्यादा क्लियर होती है क्वेश्चन में जाके, तो अभी क्वेश्चन हमने कम किए हैं इसीलिए। थ्योरी में अभी अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है, सबसे पहले हमने पढ़ा टाइप ऑफ कोलिजन। कोलिजन का मतलब सीधा सीधा टकराना, टक्कर, ठीक है, टक्कर हुई, टक्कर कितने टाइप की हुई, किस बेसिस पे, टकराने के तरीके पे। हमारा हेड ऑन कोलिजन पढ़ा, ऑब्लिक कोलिजन पढ़ा, हेड ऑन कोलिजन ऑब्लिक कोलिजन के बाद में हमने टाइप ऑफ कोलिजन पढ़ा एनर्जी और मोमेंटम के बेस, कि भाई जब चीजें टकरा रही हैं तो कुछ एनर्जी का आदान प्रदान चेंज होगा, इधर उधर ट्रांसफर होगी, कुछ मोमेंटम भी इधर उधर ट्रांसफर होगा, क्योंकि अगर एनर्जी का मोमेंटम का ट्रांसफर अगर नहीं होता तो क्या होता कि मान लो बाइक आराम से आगे जा रही है, पीछे से कार ने अगर टक्कर मारी तो बाइक की स्पीड बढ़ती है कम हो जाती है, बढ़ती है। मतलब कुछ ना कुछ एनर्जी का ट्रांसफर हुआ है और कुछ ना कुछ मोमेंटम का भी ट्रांसफर हुआ है, क्योंकि मोमेंटम क्या होता है, एम इंटू वी। टकराने से पहले मोमेंटम क्या था, मान लो 10 मीटर पर सेकंड से चल रही थी और टकराने के बाद में होगी 20, तो जो बाइक थी उसका मोमेंटम बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है? उसका मोमेंटम अगर बढ़ा है तो ओवरऑल कंजर्वड होगा, यही तो था। क्या बेटा सर, आपकी आवाज नहीं आ रही सर, अब आई सर आवाज, पता नहीं कैसे चली जाती बीच बीच में।
सर टोटल ओवरऑल मोमेंटम कंसेप्ट होगा वहां, आ रही बात समझ में? सर जब गाड़ी में अगर कोई बाइक टक्कर मार दे सर, उस टाइम क्या होगा? देखो जब गाड़ी खड़ी हुई है, एक बात बताओ कि ट्रक में साइकिल टक्कर मार दी, क्या ट्रक मूव करता है? सर जब मूव करते हुए समय मार दिया सर, तब नहीं, मूव करे हुए में देखो होता क्या है, जैसे मान लो आपकी कार चल रही है, एक मैं प्रैक्टिकली बताता हूँ मैं आपको, ठीक है, जस्ट वेट। माना कि आपकी कार है 1000 किलो की, आपकी बाइक है 1000 नहीं है, ज्यादा होगी 5000 किलो की, और बाइक है मान लो कितना, मान लो 50 kg मान लेता हूँ, चलो 50 kg की, कार की स्पीड है मान लो 50 किलोमीटर की, 50 मीटर पर सेकंड की, और हमारी बाइक की स्पीड है मान लो 60 मीटर पर सेकंड की, ठीक है। मेरी कार ये चल रही थी, ये आपकी कार थी, ठीक है, यहां से आपने बाइक से टक्कर मार दी, टक्कर मार दी ऐसे। अब एक बात बताओ, इसका मोमेंटम क्या है, इसका मोमेंटम क्या है मेरा, 50 × 60 कितना है बोलो, 3000 है? Yes, है इसका मोमेंटम, इसका इनिशियल मोमेंटम है, ये इनिशियल मोमेंटम बाइक का, इसका इनिशियल मोमेंटम क्या है? देखो 5 × 5 = 25, और 1 2 3 4 4 0, 4 0 आएगा बेटा, 1 0 ये, 3 0 ये, 4 0 केजी मीटर पर सेकंड, कितना होगा? 250,000 केजी मीटर पर सेकंड हुआ कि नहीं हुआ? Yes, sir. इसके मोमेंटम में, इसके मोमेंटम पे अगर आपकी स्पीड 50 थी, आपकी स्पीड 50 थी, आपकी स्पीड टकराने के बाद में कितनी हो गई, मान लेते हैं कि टकराने के बाद में आपकी स्पीड हो गई 20, आपने कितना मोमेंटम दिया इसको, कार को कितना मोमेंटम दिया, पहले 3000 था, पहले 3000 था, ठीक है, अब 50 × 20 बेटा, 50 × 20 कितना होगा, कितना होगा 50 × 20, फाइनल मोमेंटम 1000 होगा, 1000 आपने इस कार को दिया, 1000 मोमेंटम इस, वो तो 3000 था पहले, अब 1000 हो गया, 2000 आपने कार को दिया, अब कार का मोमेंटम में कितना चेंज होगा, 2000 का, यानी कि पहले 250,000 था, अब कितना होगा, 252,000, क्या इसकी स्पीड में आपको कोई फर्क दिखेगा 2000 से, बोलो 2000 से कार की स्पीड में कितना फर्क पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा 1 का, इवन 1 का भी नहीं पड़ेगा, 0.5 का भी पड़ेगा लमसम, क्योंकि देखो 2000 इक्वल टू अगर आप करोगे 5000 × V, तो 2000 / 5000, तो 2/5 इतनी वेलोसिटी का इंक्रीमेंट होगा बस कार की वेलोसिटी, कार की स्पीड में, और इस बाइक की स्पीड कितनी हो गई, 50 से 20 हो गई, कार की में कितना पड़ रहा है 2/5 मीटर पर सेकंड स्पीड बढ़ेगी कार की, बस बाइक की स्पीड मैटर नहीं करती, मैटर करता है मोमेंटम, मोमेंटम मैटर करता है। अगर साइकिल को कितनी भी तेज ले आओ, अगर खड़ा है को हिला पाएगी? नो सर। या फिर ट्रक चल रहा है, ट्रक अगर चल रहा है और कोई तेज जोर से साइकिल ले जाके धक्का मार दे, ट्रक में टक्कर मार दे, तो ऐसा लगे मच्छर मर गया पीठ पे यार, शायद ऐसा लग रहा है, ट्रक ऐसे सोचेगा, क्यों? ट्रक का मास बहुत ज्यादा, मास बहुत ज्यादा, उसकी वेलोसिटी 1 मीटर, देखो कार की वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकंड से बढ़ाने के लिए आपको 5000 kg/s मोमेंटम चाहिए, तब जाके ट्रक की वेलोसिटी, वो कार की वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकंड बढ़ेगी। ये तो कार और बाइक की बात हुई, कार और सॉरी बाइक और ट्रक की बात हो तो हिला ही ना पाएगा बिल्कुल भी, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, ऐसा लगेगा कि चींटी मरी है रास्ते में। All things are depend on momentum transfer.
आप कंफ्यूज किस वजह से हो, मोमेंटम और वेलोसिटी में कंफ्यूज हो कि क्या है? मतलब मैं जब बाइक से टक्कर मार रहा हूं तो उसकी बाइक स्पीड क्यों नहीं बढ़ रही है, बल्कि जब कोई हैवी चीज अगर 1 मीटर पर सेकंड से मूव कर रही है तो उसके पास बहुत सारा मोमेंटम है। कोई हल्की चीज 10 मीटर पर सेकंड से भी मूव कर रही है तब भी उसके पास मोमेंटम कम है। ये चीज समझो, मोमेंटम स्पीड से मोमेंटम को कंपेयर मत क्या करो, स्पीड इनटू मास होता है मोमेंटम, अकेला स्पीड पे डिपेंड नहीं करता। हरी बात समझ में? तो इस तरह से फील लो, आप ओनली क्या कर क्या रहे हो, इस तरह से मैं भी कंफ्यूज रहता था पहले कि आप कर क्या रहे हो कि ओनली स्पीड को, ओनली वेलोसिटी को पॉइंट ऑफ व्यू कर रहे हो। क्या वेलोसिटी जिसकी ज्यादा होगी उसका मोमेंटम ज्यादा होगा? नहीं, जिसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी उसका मोमेंटम ज्यादा नहीं होगा। कार के बगल से अगर बाइक निकल के जा रही है तेजी से, इसका मतलब कार वाला खुश ना हो, मोमेंटम अभी भी ट्रक का ही ज्यादा है क्योंकि ट्रक के पास मास बहुत ज्यादा है। वेलोसिटी कम है लेकिन मास बहुत ज्यादा। अरे बात समझ में? यस सर। अभी समझ में आया? अभी वरुण डाउट जो थे आपके क्लियर हुए? यस सर। बाकी लोगों के भी? यस। ठीक है, मैं पता है इसीलिए मैंने एक न्यूमेरिकल वैल्यू लेके आपको समझाई ट्रक और साइकिल सॉरी कार और साइकिल की बाइक की, क्योंकि न्यूमेरिकल वैल्यू से थोड़ा आइडिया लग जाएगा आपको, क्योंकि वो चीज मैं बोलता रहा थ्योरेटिकली बोलता रहता, इतनी देर से बोल रहा था आपको मतलब वो नहीं आया था, फील नहीं आया था, अब फील आ गया होगा आई थिंक। ठीक है, तो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन जो होता है, देखो ये वैल्यू पूछ लेता है हमेशा, याद रखना कभी कभी पूछ लेता है, जो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होता है उसके लिए E की वैल्यू 1 होती है, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन होता है उसके लिए E की वैल्यू 0 होती है, और जो हमारा इन इलास्टिक कोलिजन होता है उसके लिए E की वैल्यू वेरी करके 0 to 1 के बीच में, 0 to 1 के बीच में वैल्यू वेरी करती है। आरी बात समझ लो? अब हम देखते हैं जरा, देखो अभी हमने देखा था, आपको याद है कि जब सेम मास के दो ऑब्जेक्ट होते हैं, उनकी वेलोसिटी पहले और बाद में इंटरचेंज हो जाती है, क्यों होता है पता है आपको? क्यों होता है देखो अभी मैं आपको बताऊं, ई से प्रूफ करके बताऊं या फिर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से? बोलो, मोमेंटम से। ठीक है, देखो यहीं पे अगर आप देखोगे तो माना कि दो वो हैं बॉल जिसकी वेलोसिटी एक की ए है एक की वी है, तो आप इनिशियल मोमेंटम क्या लिखोगे दोनों का? एम ए वी ए इनिशियल प्लस एम बी वी बी इनिशियल इक्वल टू एम ए वी ए फाइनल प्लस MV V final होगा कि नहीं? बोलो, कोई दिक्कत? yes, अब देखो MA MB MB ये कट जाएंगे क्योंकि हमारा क्या है MA equal to MB है कि नहीं है? बोलो। yes, sir. देखो यहाँ पे क्या आ गया VAI आ गया आपका VAI plus VBI equal to आ गया VAF प्लस वी बी एफ। अगर आपका इलास्टिक कोलिजन है परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है तो ई इक्वल टू क्या होगा? ई क्या था देखो, क्या था वी टू माइनस वी वन अपॉन यू वन माइनस की यू टू। वहां पे क्या लिया था हमने? एक मिनट जरा क्वेश्चन करवाना था मेरे को, चलो इसको मैं कल प्रूफ करवाऊं क्या, क्योंकि एक्चुअली क्वेश्चन करवाना है मेरे को, क्वेश्चन करते हैं पहले उसके बाद प्रूफ करते हैं उसको, इस क्वेश्चन को करो पहले क्योंकि ये तो कल भी हो जाएगा प्रूफ, लेकिन क्वेश्चन करवाना है कि होमवर्क में क्वेश्चन मिलेगा फिर आप कर नहीं पाओगे। इस क्वेश्चन को करो जरा, इस क्वेश्चन को करो, प्रूफ ऐसा ज्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है।
और ये स्टार्टिंग की जो टाइम हो गया था ना 10-15 मिनट, जो लास्ट क्लास के लास्ट जो डाउट थे आपके उनको सॉल्व करने में, इसीलिए थोड़ा सा फास्ट हो गया था क्लास आई थिंक। वैसे आपको डाउट तो क्लियर हो ही गया होंगे। अ बॉल ऑफ 2 kg मूविंग विद स्पीड 5 m/s कोलाइड डायरेक्टली विद एनोदर बॉल ऑफ 3 kg मूविंग इन सेम डायरेक्शन। एक बॉल थी 2 किलो की जो कि 5 m/s से चल रही थी, और एक उसके आगे कोई बॉल चल रही थी 3 kg की, सेम डायरेक्शन चल रही थी, उससे कितना तो 15 आ रहा है? 15 ओके, वेट करते हैं बेटा। एनोदर बॉल ऑफ 3 kg मूविंग इन सेम डायरेक्शन विद वेलोसिटी 4 m/s, एक 5 से चल रही है, एक 4 से चल रही है। द कोफिशियंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज 2/3 वेलोसिटीज आफ्टर कोलिजन पूछा इसमें। एक इक्वेशन बनाओ आप किससे, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से, और एक इक्वेशन बनाओ किससे, ई से। चलो मैं करवाता हूं इसको। देखो हमारा ये मास मान लो आप M1 है, ये V1 है, ये M2 है, U2 मानो, U1 मानो इसको, इनिशियल है ना, इसको U1 मानो, इसको M2, इसको U2, ठीक है। अब आप एक बात बताओ, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाओ, M1 U1 प्लस M2 U2 इक्वल टू M1 V1 प्लस M2 V2। देखो U आपका इनिशियल वेलोसिटी है दोनों, U1 U2 आपके इनिशियल वेलोसिटी दोनों बॉल्स की, और V1 V2 आपकी फाइनल वेलोसिटी। M1 क्या है आपका, M1 क्या है, 2, बोलो गुणा करो ना, 2 × 5, U1 5 है, प्लस M2 क्या आपका, M2 3, 3 × U2 क्या आपका 4, इक्वल टू M1 2 × 2 V1, V1 पता करना है, प्लस M2 क्या आपका, M2 है 3, 3 V2। तो आप देखोगे 2 V1 प्लस 3 V2 इक्वल टू आ जाएगा 10 और 12, 10 और 12 हो जाएगा, 5 × 2 = 10 और 3 × 4 = 12, कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा, बोलो। इक्वेशन वन मान लो इस। अब ई का फॉर्मूला क्या था, ई क्या था, V2 - V1 / क्या था, U1 - V1। V2 देखो ई आपको दिया हुआ है, ई कितना है आपका 2/3 इक्वल टू V2 - V1 / U। अच्छा U1 U2 हमें दिया हुआ है, U1 कितना है मेरा, U1 5, U2 कितना है 4, है कि नहीं, तो मेरा कितना आ जाएगा V2 - V1 / कितना 1, तो हमारा कितना हो जाएगा, यहां से देखो V2 - V1 इक्वल टू 2/3 क्या होगा, 2/3, या फिर एक काम करता हूं ना, इधर 3 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 3V2 - 3V1 इक्वल टू 2, इक्वेशन 2 मान लो इसको, बताओ कोई दिक्कत किसी को, 3V2 से 3V1 कैसे रिपीट देखो देखो करना? देखो देखो देखो, देखो, देखो। ये मेरा 2/3 है, इधर इधर 2/3 है, इधर V2 - V1 / 1, 1 आ जाएगा यहां से, V2 - V1 / 1, मैंने यहां पे क्या किया, 1 का मल्टीप्लाई 2 में किया, 3 का मल्टीप्लाई V2 - V1 में किया, V2 - V1 में 3 का मल्टीप्लाई करूंगा, 3V2 - 3V1, इधर 1 का मल्टीप्लाई 2 में करूंगा, तो 2 आ गया, आया कि नहीं। यस इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर दो जरा, ऐड नहीं सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करो जरा, लेफ्ट को लेफ्ट से, राइट को राइट से कर दो, 1 - 2 इक्वेशन, तो 1 2V1 + 3V2 - 3V2 - प्लस
ये आपका माइनस है ना, अब थ्री वी वन नहीं कटेगा, वी टू माइनस ही करना पड़ेगा, प्लस थ्री वी वन इक्वल टू 22, इसको माइनस कर टू। अब आप देखोगे थ्री वी टू से थ्री वी टू कैंसिल हो गया, थ्री वी वन प्लस टू वी वन फाइव वी वन, फाइव वी वन इक्वल टू 20, तो वी वन क्या आ गया आपका, वी वन कितना आया, फोर मीटर पर सेकेंड आपका v1 आ गया। अब इक्वेशन कौन सी में रखो, टू में रख दो, फ्रॉम इक्वेशन टू, टू में रखोगे थ्री वी टू माइनस थ्री इंटू फोर इक्वल टू 12, तो v2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये थ्री फोर जा 12, 12 प्लस के माइनस के उधर जाके प्लस का हो जाएगा 24 हो जाएगा, 24 डिवाइडेड बाई थ्री कितना आ रहेगा, 24 डिवाइडेड बाई थ्री 8, ये आपका 4 है, ठीक है, इक्वेशन सही है ये 3 2, ठीक है ये तो। अच्छा वी वन के लिए मैंने वी टू रख दिया ना, ये माइनस का उधर जाके प्लस का हो जाएगा, ठीक है 8 हो जाएगा। कोई डाउट किसी को, नो ठीक है, तो आपको क्या करना है अभी, ये क्वेश्चन एक क्वेश्चन बच गया, इस क्वेश्चन को आप होमवर्क में लिख लो, थोड़ा इजी क्वेश्चन है ये, तो हो जाएगा आपसे, ठीक है, ये क्वेश्चन है, और आपके लिए ये तीन क्वेश्चन ये हैं होमवर्क के लिए, ये तीन क्वेश्चन ये हैं होमवर्क के लिए, और एक क्वेश्चन वो दिया मैंने होमवर्क के लिए, ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत किसी को, नो सर, ओके मैम, ओके बच्चों, आज हमने क्या किया पढ़ा जरा बता दो, फर्स्ट में क्या पढ़ा हमने, कोलिजन, और क्या पढ़ा, टाइप्स ऑफ कोलिजन पढ़ा, और क्या पढ़ा, हेड ऑन कोलिजन, हाँ वो मतलब टाइप्स में ही आ गया, हेड ऑन कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, रेस्टिट्यूशन और कोई दिक्कत आ गई क्लास में, No, sir. कल की क्लास में जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें सब ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करेंगे, तो जो भी आज की क्लास के डाउट हैं वो कल की क्लास में सब क्लियर हो जाए, ठीक है, ओके देन बच्चों, आपका टाइम ऑलरेडी ओवर हो गया, चलते हैं फिर, बाय सर, गुड नाइट, बाय बाय, गुड नाइट, वेरी गुड नाइट, वेरी गुड नाइट, Thank you, sir. Thank you, sir. Bye, sir.